फ्रेंड, कैसे हो आप सब? तो आशा है सब ठीक ठाक होंगे। पर मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम थी, मम्मी बीमार थी, मैं भी बीमार हो गई थी। तो फ्रेंड, आज है बसंत पंचमी, मीन्स जब का ये ब्लॉग है। आपको तो खैर ये लेट मिलेगा ब्लॉग, तो थोड़ी सी सफाई वफाई करने के बाद में मैं नहा कर अपने लड्डू बाबू को तैयार करूँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, नहीं डाल पा रही थी वीडियो। ब्लॉग काफ़ी बने हुए थे और कुछ बने भी, कुछ नहीं भी, तो सब आपके साथ में धीरे धीरे मैं शेयर करती रहूँगी। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए मैं करती हूँ मैं स्टार्ट काम। फ्रेंड, मम्मी बना रही है, देखो लेटे लेटे थोड़ा सा आराम हो गया। तो ये देखो कान्हा जी की ड्रेस बना रही है बसंत पंचमी के लिए, ठीक है। ये देखो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी कंप्लीट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी बनी है और येलो कलर की है। अब यहाँ मैं आ गई हूँ अपने लड्डू बाबू जी को नहलाने के लिए। यहाँ नहलाऊँगी और उनका स्नान करा के अच्छे से उनके कपड़े वपड़े चेंज कर दूँगी। यहाँ पे आ गए हैं लड्डू बाबू नहा धो के, और मैं पहना देती हूँ कपड़े अच्छे से क्योंकि मम्मी ने ड्रेस कर दी थी तैयार एकदम येलो कलर की बसंत पंचमी पहनने के लिए, पजामी फ्रॉक और कैप। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। और लड्डू बाबू की ज्वेलरी भी मैंने अच्छे से वॉश करके इनको तैयार कर दिया है। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये कंगन पहना देती हूँ, ऐसे करके मैंने कर दिया अपने लड्डू बाबू को तैयार, ठीक है। फ्रेंड बताइएगा कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और मैं कान्हा जी के लिए लेके आती हूँ फ्रूट कट करके, ठीक है। तो आज है बसंत पंचमी, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के अच्छे से बैठा दिया है। आपको मैंने उनका श्रृंगार भी दिखा दिया था। और यहाँ धोए मैंने लड्डू बाबू जी के कपड़े, अब इनको जाऊंगी मैं सुखाने। और सारे बर्तन में लगा के रख दिए इधर, अब सूख जाएंगे तो मैं डाल दूंगी नीचे रैग में, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं मेरे साथ में लड्डू बाबू जी के कपड़े सुखाने के लिए, चलिए। मैंने तैयार कर दिया कट कुटा के पपीता, मैं पपीता दे रही हूँ मम्मी को, मम्मी लेटी हुई हैं। और थोड़ा सा बनाना कट करा है मैंने नोनू के लिए भी और अपने लिए भी, और लड्डू बाबू को तो मैंने दे ही दिया था, ठीक है। ये देखिए नोनू मस्ती से आराम से खा रहे रह जाए मैं बैठ के। इधर ये लड्डू बाबू को भी दे दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड। तो बस अब आ गई थी अभी यहाँ पे, तो अब यहाँ उबल चुके हैं आलू और मैं लगा दे दूँगी फटाफट से आटा। और मैं आज बनाऊँगी क्या, कचौड़ियाँ, ठीक है। देखो फटाफट फटाफट मैं कर लेती हूँ। इधर मैं गर्म पानी से आटा गूँथूँगी ताकि जल्दी से अच्छे से मैश हो जाए, नहीं तो फिर थोड़ा
अजीब सा ही हो जाता है, इठा इठा सा लगता है, तो ढंग से रोटी बेलती नहीं है, तो मैं गर्म से गर्म पानी से ही कर लेती हूँ। हेयर वॉश करा है मैंने आज, फटाफट मैं कर लेती हूँ। नमक डाल दूँगी इसी में पहले, और आटा गूंदने के बाद में बना दूँगी मैं अपनी कचौड़ियाँ।